तो हाँ जी, आपका स्वागत है एक नए दिन में। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर 11 बजे चेकआउट टाइम है। तो फिर 11 बजे चेकआउट करके डायरेक्ट हम जाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट पे, फिर वो विज़िट करने के बाद फिर शायद अगर टाइम बचेगा तो कोई और जगह जाएंगे, अदरवाइज़ फिर अहमदाबाद के लिए हम निकल जाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारा भूख लग रहा है। जल्दी आ जा, सेकंड फ्लोर पे है ये। ये कुछ सुबह ऐसा लग रहा है, एकदम ना ग्रीनरी लग रहा है देखिए। और ये जो ब्रिज बना है ना, वहाँ से आपको ऊपर स्विमिंग पूल तक वहाँ जाना होता है। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, पहले हम ले लेते हैं कुछ, देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट। बटर है, ब्रेड है, जाम है, चाय और कॉफ़ी है। ये है आपका पूड़ी है, शायद आलू का सब्जी है, हाँ भाजी, सांभर, करी, यह है खमन, मसाला वड़ा, ये उपमा है, ये क्या है, पोहा भी है। ये कुछ है यहाँ पे, देख लीजिए अगर आपको आना है तो। चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ, हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, अभी टेरेस के ऊपर आए हैं। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ टेरेस के ऊपर से यहाँ का नज़ारा कैसा है, फिर हम चलेंगे स्विमिंग पूल की साइड, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। मज़ा आ रहा है, थोड़ा अलग अलग वाइब्स आ रहा है सिटी से दूर। देखिए कैसा है पूरा ना, एकदम मतलब बादल पूरे नीचे आ गए ऐसा लग रहा है। ये इन्हीं का रिसोर्ट का ही गार्डन एरिया है, यहाँ कोई शायद नया रिसोर्ट बन रहा है। देखिए चारों तरफ, यहाँ से अभी ऊपर जाना है चल के हमें। आ रहा हूँ। ये ब्रिज है ना, ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है, मज़ा आता है। चलो फटाफट पहले चल के चलते हैं। ये लिखा है ऊपर नाम, कुंभलगढ़ फोर्ट रिसोर्ट। भैया फोटो भी खींचेंगे, बढ़िया सा आ रहा है। एक्चुअली मैंने तो नहा ही लिया है, तो अब मैं तो नहाऊंगा नहीं स्विमिंग पूल में, बस खाली देखने के लिए जा रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए। चलो इतने धीरे धीरे क्या चढ़ रहे हो, फटाफट चढ़ो फटाफट। वाह, बहुत ऊपर बनाया है ये तो। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, एकदम टॉप पे ही है, बहुत बढ़िया है। क्लीन है पानी, हाँ एकदम साफ है। अभी कोई है नहीं शायद, थोड़ी देर बाद सब आएंगे, सब ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं। एकदम टॉप पे मैं आ गया, और यहाँ से देखिए क्या नज़ारे है, वर्थ इट है आपका खर्चा किया हुआ इतना सारा। क्या मैं तो नहा लिया, मेरा तो हो गया। हवा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी अगर आते हैं ना कुंभलगढ़ तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, ये अगर आपको ठीक लगे तो बुक कीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैंने आपको ऑलरेडी पूरे रिसोर्ट का बता ही दिया है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, टेस्ट भी अच्छा था और बहुत सारा आइटम था। तो अब आते हैं तो आपको दोपहर तक कोई टेंशन नहीं है खाने की। तो हमने ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर लिया है कि दोपहर को लेट भी खाएंगे तो चलेगा।
चलिए अभी चलते हैं रूम में, फिर 11 बजे चेकआउट है, उसकी तैयारी करते हैं। चेकआउट तो हमने कर लिया है, अभी फ़िलहाल चलते हैं गाड़ी में सामान रखते हैं। आज धूप थोड़ा लग रहा है, आज कल तो इतना धूप था नहीं, सुबह सुबह बारिश हो रहा था पर अभी थोड़ा धूप आ गया है। ठीक है चलिए पहले सामान रख देते हैं। ये रहा, ठीक है चलिए पहले गाड़ी में सामान में रख देता हूँ, अंदर बैठ के फिर मिलता हूँ। फिलहाल हम कुंभलगढ़ तो आ गए हैं, अभी पहले टिकट लेना है तो देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। और पार्किंग आज संडे है ना तो पार्किंग का बहुत दिक्कत होने वाला है, आप देख रहे हो कुंभलगढ़ फोर्ट। देखते हैं पहले टिकट का प्राइस पूछ लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो टिकट भारी है 40 रुपीस, 40 रुपीस। हाँ ₹40 टिकट है, देख लीजिए आप लिस्ट पूरा। फॉरेनर के लिए 600 है, बहुत सारा चलने का है। फिलहाल चल के ही जा रहे हैं, हमने गाइड तो लिया नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही प्राइस बता रहे थे, तो अभी तो फिलहाल हम चल के ही जा रहे हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, यही फोर्ट है, ये पूरा ना सीढ़ी से अपने को चल के जाना पड़ेगा। सेकंड थर्ड गेट है ना, नहीं ये ना थर्ड गेट है बैरव पॉल। ये फॉल्ट ना जो कुंभलगढ़ है वो राणा कुंभा ने बनवाया था, और ये जो है ना वो वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल में आता है, जैसे फर्स्ट में चाइना है जिसका कुछ 2100 किलोमीटर समथिंग कुछ है डिस्टेंस, और ये जो है 36 किलोमीटर है। आपको पीछे दिख रहा होगा ये वॉल, ये जो वॉल दिख रहा है ना आपको वो पूरा, ये वाला जो है वो पूरा 36 किलोमीटर तक वॉल है, और ये पूरा पूरा आप चल सकते हो ऐसा ये है, हालाँकि कोई चल तो पाएगा ही नहीं और बहुत बड़ा है। और अभी हम ये मेन गेट पे खड़े हैं, यहाँ से अंदर जाएंगे गेट से, तो यहाँ थोड़ा फ़ोटो खिंचवा लिया है, देखते हैं अभी। और यहाँ पर पर्सन 40 रुपये है, जो आपने आगे वीडियो में देखा विंडो का फ़ोटो, तो वहाँ पर पर्सन 40 है और फॉरेनर का तो 600 रुपया है। और पार्किंग का भी हमने गाड़ी पार्क किया, उसका भी 40 रुपये टिकट है पार्किंग का, तो देखिएगा। और आज संडे का टाइम है तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, ठीक है संडे है तो रहेगा ही, अपने भी बस 1-1.5 घंटा विज़िट करके निकल जाएंगे। देख रहे हैं ना ये जो वॉल दिख रहा है ना वो है 36 किलोमीटर तक लंबा, ये पूरा ना मतलब हर पहाड़ी के ऊपर घूमते घूमते जा रहा है। देखिए अभी तो हम ऊपर गए भी नहीं है, ये तो आधे तक ये फिर भी ऐसा दिख रहा है वॉल। ये गेट से एंटर होना है अभी, ये 4th नंबर का गेट आया है अभी तक।
अभी हम ऊपर पहुंचे नहीं, आधे तक ही पहुंचे हैं। चलो अभी हमें ये 5th नंबर का जो गेट है वहाँ पे जाना है। गाइस हम एक्चुअली ऊपर घूम के आ गए और धूप बहुत ही है, बहुत ही गर्मी लग रहा है, इसलिए ज़्यादा वीडियो तो मैंने बनाया नहीं उतरते वक्त। और ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, यहीं पे शूटिंग हुआ था प्रेम रतन धन पायो मूवी है ना, उसका जो गाना है ना हालो रे, तो आप वो देख लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसका मैं प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा दूर है तो वहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं चल के, तो थोड़ा आगे से ही मैं बता देता हूँ। अगर दूर से मुझे अगर देखा ना जूम करके तो मैं आपको जूम से ही बता दूँगा एक्सिट लोकेशन। अगर मैं ट्राई करता हूँ इधर से दिखाने के तो आप देखिए ये वाला लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है ना, ये वाला ये जो लोकेशन है ना, तो यहाँ से ये जो खड़े हैं ना, यहाँ पे डांस किया था सलमान खान ने, और वहाँ से कैमरा सीधा आता है ये वाले लोकेशन पे, ये कुंभलगढ़ फोर्ट दिखता है। तो आप वो गाना देखेंगे ना हालो रे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है चलिए पहले मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो गाइज अभी हम नीचे आ गए हैं, एक्चुअली ना बहुत ट्रैफिक है, बहुत कंटाल गए हम। तो मैं आपको सही में अगर एक बात बताऊँ ना, तो अगर आप आते हो ना कुंभलगढ़ तो सुबह ही आप आइएगा, क्योंकि आप अगर 11-12 बजे के बाद आए ना तो ऊपर जाम लग जाएगा। तो बहुत मशक्कत करने के बाद निकला है, तो आप ऊपर पार्किंग का जगह ही नहीं है, अभी भी जाम लगा हुआ है रास्ते में, और एकदम छोटा सा रास्ता है और थोड़ा बहुत टूट भी गया है, तो एक ही गाड़ी जा सकता है कोई कोई जगह में। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं कुंभलगढ़ तो आप या सुबह आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, या फिर शाम के टाइम आइए, क्योंकि दोपहर को आप 11 बजे के बाद आएंगे ना पूरा जाम लग जाएगा। तो देख लीजिएगा आप अपने टाइम के हिसाब से। हमारा भी हमने सोचा 11 बजे चेकआउट था तो उसके बाद चलते, तो इसीलिए फंस गए थे, पर ठीक है अभी हमारा घूमना तो हो गया है, अभी जाम लगा हुआ है, देखते हैं कब खुलता है। तो अभी थोड़ी देर में हम हिम्मत नगर वापस पहुंचेंगे, फिर वहां से फिर हम घर जाएंगे। और बहुत सारा मैं थक गया हूं, क्योंकि सुबह से निकला ना तब से मैं गाड़ी चला ही रहा हूं, तो थकावट भी लग रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना रहा हूं रोड का, पर ठीक है। तो अभी जो भी डिटेल है ना वो मैं आपको डायरेक्ट घर पहुँच के आपको बताऊँगा, अगर कुछ बाकी रह जाता है तो। बाकी वहाँ का जो टूर था वो पूरा मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, पर फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो देने की रह गई है तो वो मैं घर जाके आपको बताता हूँ। तो 8 बजे के आसपास हम घर पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद मैं फिर आपको मिलता हूँ द नेक्स्ट डे। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल रात को आते आते हमें लेट हो गया था काफ़ी, तो हम शायद रात को 8:30-9 बज गया था आते आते, तो इसीलिए थक गया था तो वीडियो नहीं बनाए थे। तो अभी आज सुबह मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो अहमदाबाद से कुंभलगढ़ गए और वापस घर तक आए हम, तो पूरा हमारा जो टोल टैक्स है ना वो 650 से 700 रुपए के आसपास लगा था। तो आप देख लीजिएगा दो जगह पे तो 175 भी लगा है, 70 रुपीस लगा है, 35 लगा है, 85 लगा है, तो ऐसे करके टोटल कैलकुलेशन किया है तो 650 या 700 रुपए के आसपास लगता है। तो आप भी अगर जाते हैं ना तो ये गिनती करके रखिएगा कि आपको इतना टोल तो आपको लगने ही वाला है अहमदाबाद या राजस्थान सब कुछ इंक्लूड करने के बाद जो हम वापस आए तब तक को लेके। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे ना वहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगता है ऊपर, तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि आप सुबह ही जल्दी चले जाइएगा तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और अगर बाई चांस ऐसा है तो आप गाड़ी थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि ऊपर जाके रखेंगे ना तो ऊपर दिक्कत बहुत आएगा, टर्न भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा हुआ था हम बीच में नहीं मिला था रास्ता तो हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए थे पार्किंग की वजह से, तो ऊपर जाने के बाद बहुत दिक्कत हुआ था फिर मुड़ाने के बाद वापस लाने में, क्योंकि थार ऑलरेडी बड़ा है तो वहाँ टर्न भी नहीं ले रहा था ठीक से। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा दूर पार्क कर दीजिएगा और अच्छे से आप ऊपर चले जाइएगा, थोड़ा सा चल के जाएंगे वो अच्छा रहेगा।
और एक बात था कि जो मैंने रिसोर्ट का बताया था ना, और वहाँ पे टावर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा हो तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना अगर आप मैप के भरोसे जा रहे हो और आपका टावर नहीं आएगा ना तो दिक्कत करेगा, बार बार सबको पूछना पड़ेगा, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं ना, छोटा छोटा रास्ता, तो उससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन मैप एक सेफ तरीके से डाउनलोड करके रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे घूमने में। तो चलिए वीडियो यहीं तक था, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना थोड़ा मेहनत लग जाता है। बात तो सही है। तो एटलीस्ट एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।